आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तंदूरी रोटी की रेसिपी। इसके लिए हम सबसे पहले 2 कप मैदा लेंगे। उसके बाद हम इसमें लेंगे स्वाद अनुसार इसमें नमक डालेंगे। 1/2 कटोरी हम इसमें अच्छी तरीके से फेटा हुआ कर्ड डालेंगे, मतलब दही डालेंगे। उसके बाद हम इसमें 1 से 2 चम्मच इसमें ऑयल डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से गूंद लेंगे। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत जल्दी और इजी बन जाती है तंदूरी रोटी, क्योंकि बाहर हम लाते हैं तो उतने ही पैसों में हम घर में भी बना ही सकते हैं, सेम वही टेस्ट आएगा आपका। बस इसमें हमें अपने गैस का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपके पास तंदूर है या फिर ओवन है उसमें भी आप बना सकते हैं इसे। तो इसे अच्छी तरीके से हम गूंद लेंगे। आप इसे कोई भी ग्रेवी के साथ, चिकन वगैरह के साथ सर्व कर सकते हैं। तंदूरी रोटी हर चीज़ के साथ अच्छी लगती है। उसके बाद 1/2 घंटा रेस्ट करने के लिए रखने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से बेल लेंगे। इसके हम बिग साइज़ के जो पेड़े होते हैं वो बना लेंगे, अगर आपके ऊपर आप कितनी साइज़ का बनाना चाहते हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर हरा धनिया जो हमारा होता है वो चॉप कर लेंगे और डाल देंगे। थोड़ी सी इसमें हमने कलौंजी होती है वो डाली थी, या अगर आपके पास ब्लैक जो तिल होते हैं वो होंगे तो वो भी आप डाल सकते हैं। फिर इसकी हम बाहर की साइड पे पानी लगा देंगे अच्छी तरीके से, और उस साइड को हम अच्छी तरीके से पैन पे रख देंगे ताकि वो पैन से चिपक जाए। तो इसी तरीके से हमें तंदूरी रोटी को बनाना है, और जब तक इस रोटी पर बबल्स नहीं आते तब तक हम इसे पलटाएंगे नहीं, मतलब उसकी साइड नहीं दूसरी साइड पकाएंगे। इसके बाद इसी तरीके से हम अपनी सारी रोटियां बना लेंगे। सेम प्रोसीजर आप फॉलो कीजिएगा। अगर आप इसमें चाहे तो ये सब ना भी डाल के प्लेन भी बना सकते हैं, बटर वगैरह भी डाल सकते हैं। फिर जैसे हमारी एक साइड पक जाएंगी तो ये अपने आप निकल जाएंगी, तो हम इसे गैस पे अच्छी तरीके से सेक लेंगे और इसे बटर या फिर कोई भी ऑलिव ऑयल के साथ अच्छे से गार्निश करेंगे और अपनी कोई भी ग्रेवी या बटर चिकन के साथ इसे सर्व करेंगे। हमने इसे दाल मखनी के साथ सर्व किया था और ये बहुत सॉफ्ट और अच्छी बनी थी, और दही की वजह से बहुत सॉफ्ट बनी थी। तो आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।